जबलपुर में 2 साल के बच्चे के साथ घर में काम करने वाली आया की हैवानियत का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भूख से बिलकते मासूम को एक आया पहले चाटे मारती है, फिर पीठ और पेट में दनादन घूसे बरसाती है। इतना ही नहीं, महिला की हैवानियत यही खत्म नहीं होती। आया कभी रोते हुए बच्चे के बाल खींचती है तो कभी पलंग पर बैठे मासूम की गर्दन पकड़कर उसे बिस्तर पर पटक देती है। इसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई तो वहीं आया की पूरी कारतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला जबलपुर के माठोताल थाना क्षेत्र के स्टार सिटी का है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि माठोताल थाना प्रभारी रीना पांडे ने बताया कि बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर मुकेश कुमार विश्वकर्मा ने सोमवार को शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जिला कोर्ट में नौकरी करती है, उनका 2 साल का बेटा मानविक है, तो वहीं पिता लकवा ग्रस्त है और बहन मानसिक रोगी, दोनों की देखभाल मुकेश की माँ करती है। मुकेश ने बताया कि दिन में वो और उसकी पत्नी ऑफिस चले जाते हैं, ऐसे में बेटे मानविक की देखरेख करने के लिए 1 साल पहले चमन नगर की रहने वाली रंजनी चौधरी को बतौर आया रखा था। पिछले 1 महीने से बेटा उदास रहने लगा, ठीक से वह खाना पीना भी नहीं खा रहा था। वे लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मानविक की आंतों में इन्फेक्शन की बात कही। डॉक्टर ने इसकी वजह गुटखा तम्बाकू और झूठा भोजन खाना बताया। आपको बता दें कि मुकेश के अनुसार पिछले 1 महीने से उसकी माँ पिता और बहन को लेकर गोटे गांव चली गई थी। ऑफिस चले जाने के बाद बेटा आया के साथ ही रहता था। डॉक्टर के पास से लौटने पर उन्होंने घर के सीसीटीवी फुटेज देखे, जिन्हें देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद तुरंत थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस ने रजनी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।